हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो अल्मीनियम पॉइंट चैनल। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डोर क्लोजर कैसे लगाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी अपने घर में डोर क्लोजर लगा सकते हो। सबसे आसान तरीके से हम डोर क्लोजर कैसे लगा सकते हैं, हमारे पास यह वाला डोर क्लोजर है, यह वाला डोर क्लोजर है हमारे पास, तो इसको आज हम लगाएंगे। इसमें दो सेटिंग हैं, आप देख रहे हो। वैसे कई डोर क्लोजर हैं, उसमें यह वाला जो स्क्रू होता है डोर को धीरे और तेज बंद करने के लिए, यह एक स्क्रू होता है, लेकिन इसमें दो हैं। इसका बाकी पूरा काम है, हम डोर क्लोजर आपको लगाकर दिखाएंगे। तो यह लगाने का जो आसान तरीका है वो हम बताएंगे आपको। इसके साथ जो जो सामान आता है पहले वो दिखा दें। एक इसमें इस तरह की रॉड आती है, इस तरह की रॉड है, और साथ में इसके जो स्क्रू है, और एक इसका कैप है जो कि यहाँ पर लगेगा। एक साथ में इसके डायग्राम आया हुआ है, लेफ्ट हैंड डोर क्लोजर 180 डिग्री, जो इसका एंगल होता है 180 डिग्री पर। वैसे तो इसमें लगाने का तरीका दिखाया गया है, पर इस तरीके से आप आसानी से नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देनी चाहता हूँ कि यह जो डोर क्लोजर है यह राइट हैंड, अगर आप इस तरह से लगाओगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा, अगर आप इसको इस साइड में लगाओगे तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक साइड में ये बना हुआ है, जहाँ पर हमने ये एंगल वाली रॉड लगानी है, तो ये देखें एक साइड में है, इसी तरह ही एक साइड में है, तो ये है राइट हैंड। और इसी को अगर हम दूसरी साइड में कर देंगे, इस साइड में उल्टा, तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। बस लगाने का तरीका अलग है। जैसा कि यह आप दरवाज़ा देख रहे हो, तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये है राइट साइड। अगर हम ये एक साथ में दरवाज़ा और है, अगर हम इसमें लगाएंगे तो इस साइड आ जाएगा, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो इसी को ही हम दोनों साइड लगा सकते हैं एक डोर क्लोजर को। जो इसका लगाने का तरीका है, जैसे कि पहले यहाँ पर लगा हुआ था डोर क्लोजर, लेकिन अभी वो ख़राब हो गया। इसकी ख्याल रखने वाली वो ये है कि जो इसके एडजस्टमेंट स्क्रू है, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो आपने जिस साइड में कब्जे हैंग लगे हो उस साइड में आपने लगाना है। इस साइड में आएंगे, आपने इसको उल्टा नहीं लगाना, आपने इसको इस साइड में लगाना है, इस तरह से इसको इस ऐसा नहीं लगाना। इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड में लगा रहे हो तो फिर उसी साइड में ही आएंगे जिस साइड में कब्जे लगे हुए हैंग लगे हुए हैं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। हमने इसको लगा दिया है यहाँ पर, उसके बाद ये कैप हैं इस पर, उसके बाद हम ये वाली जो एंगल रॉड है वो लगा रहे हैं। यहाँ पर आप ख्याल करो कि एक 10 नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ये हम खोल लेना है। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे तो फिर आसानी से ये हमारा जो डोर क्लोजर है वो लग जाएगा। ये हम निकाल लेते हैं, उसके बाद यह वाली जो एंगल रॉड है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये आपने लगानी कहाँ है, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है,
ना तो आपने इतनी दूर लगानी है ना इस साइड में, यहाँ पर जो आपका लगा हो यह वाला सेंटर इसका डोर क्लोजर का, वहाँ से शुरू करके ये देख लो आप इस तरह से इतनी दूर लगाना है बस, इससे ज़्यादा जहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, बिल्कुल इसके ऊपर जहाँ पर लगाना है इतनी दूर बस। अब उसके बाद यह वाली जो एंगल रॉड है ये आपने कैसे लगानी है, सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर रखना है इस साइड में, ना के यहाँ पर। अगर यहाँ पर इस तरह रखोगे तो फिर आपका डोर क्लोजर नहीं लगेगा, थोड़ा इस साइड में यहाँ पर रखना है। उसके बाद 12 नंबर का नट बोल्ट इस पर कस देंगे, और जो लगाने का तरीका है डोर को थोड़ा ओपन करके इस तरह से जो नट बोल्ट है इसको टाइट कर देना है। हमारा जो डोर क्लोजर है वो लग चुका है, और जो साथ में कैप आया था वो हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। हमने अभी डोर क्लोजर लगा दिया है, अभी हम खोल कर देखते हैं कि क्या यह काम कर रहा है। बिल्कुल अभी इसकी थोड़ी सेटिंग बाकी है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो एक और दो नंबर के स्क्रू है वो इसी काम के लिए है, वो इसी काम के लिए है कि अभी ये देखें जैसे दरवाज़ा हम छोड़ते हैं तो एकदम बहुत तेज़ी से जाकर ये बंद हो जाता है, और जब बिल्कुल नज़दीक जाता है तो ये स्लो हो जाता है। इसकी सेटिंग करने के लिए ही ये दोनों स्क्रू दिए गए हैं। तो इसकी सेटिंग कैसे करें, ये जो दोनों स्क्रू हैं इन दोनों को आप टाइट कर दो, एक बार फुल टाइट कर दो, उसके बाद अभी दिखाएंगे हम। तो यह देखें अभी जो डोर क्लोजर है बिल्कुल ओके है, स्लो स्लो बंद हो रहा है। अगर आपने इसकी जो स्पीड है ज़्यादा करनी है तो इसके लिए आप दोनों में से दो नंबर वाला जो स्क्रू है उसको थोड़ा सा खोल दो। जैसे ही दो नंबर का स्क्रू हम थोड़ा सा खोलते हैं तो स्पीड तेज़ हो जाती है। आज की हमारी वीडियो इतनी थी, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।